अबे अंग्रेजों का जलवा है, पूरी दुनिया हलवा है। हाँ भाई इंडिया वालों, भाई देख लो हम लोगों का जलवा, हम अंग्रेजों का जलवा यूं ही रहेगा। भाई इंग्लैंड वालों ने 3 ओवर में मैच खत्म किया और हमको देख लो भाई 5 ओवर में मैच खत्म, ना आगे खुशी ना पीछे गम। भाई ऐसा ही जलवा रहेगा भाई, वर्ल्ड कप से तो भारी हो गए लेकिन जलवा अपना कायम रहेगा। अबे बिल्लू भाई क्या होता है जलवा कायम करने से? भाई यार भैया वर्ल्ड कप से तो तुमने एकदम हगी लिया, वर्ल्ड कप में एकदम बाहर हो गए और जलवा अपना गा रहे हो भैया। ऐसे तुम्हारे जैसा जलवा करे तो भाई हम रोज जलवा करें। अब देख लो कल ही कनाडा की टीम से हमारा मुकाबला था, भगवान को भी मंजूर ना था भैया, नहीं तो 20 ओवर में 2-3 हजार रन बनते। तुम लोग 100-150 रन बना के खुश हो जाते हो यार, 20 ओवर में 100-150 बना दिए। अः भाई कनाडा वालों के खिलाफ मैच में बारिश हो गई, वरना 2-3 हजार रन बन जाते पता भी नहीं चलता कनाडा वाले खिलाड़ी कहाँ थे, कहाँ कहाँ गए, एकदम खत्म ही हो जाती भाई कनाडा की कहानी। अबे हाँ यार भैया शर्मा जी, ये तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। भाई ऐसा तो हमको भी लग रहा था भाई कनाडा वालों की हालत खराब होने वाली आज, लेकिन बारिश हो गई ये बढ़िया रहा कनाडा वालों के लिए, हम लोगों का तो कुछ भी घंटा भी फर्क ना पड़ता, वरना कल के दिन हमारे नए रिकॉर्ड बन जाते। एक तो 2-3 हजार रन बन जाते, उसमें भी 1,000-1,500 रन मैं अकेले कूटता या फिर तुम अकेले कूटते। अः भाई ऐसा काम हो जाता, एकदम ऐतिहासिक बल्लेबाजी हो जाती हम लोगों की। आगे कनाडा वालों का तो बढ़िया रहा, उनकी औकात एकदम हद पे आ गई भाई, उनकी टीम एकदम बच गई भैया, वरना वर्ल्ड कप खेलना भूल जाते वो लोग। शेकी खोरा मूछ मरोरा, भाई शेकी मानने वालो, अरे भैया थोड़ा सा जहर की पुड़िया खा लो समझी, ज़्यादा शेकी नहीं मारू। हल्की टीम कोई नहीं होती है, जो तुम्हारे सामने खेलेगा वो तुम्हारा प्रतिद्वंदी है, तुम्हारे सामने खेल रहा है, किसी को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है समझी। तुम तो हमको भी हल्के में लेती हो लेकिन 40-50 बार में एक बार हमसे भी हार जाती हो। अरे भैया ज़्यादा हल्के में नहीं लेना किसी को समझे, वरना मालूम पड़े पलटा उसका भारी हो जाए और तुम्हारी हारने की तैयारी हो जाए। अबे बाबर ये कैसी लप्पू झन्ना बातें कर रहे हो तुम? मैं भाई इंडिया वाले सही कह रहे हैं, ये हल्की हल्की टीमों से कुछ आवे ना खेलना और किसी को जाने ना ये पेलना और वर्ल्ड कप खेलने आ जाते हैं। अरे भाई कहीं इंडिया वालों के चपेट में कोई हल्की टीम पड़ गई भाई बाबूजी बन जाएगी। ये रोहित शर्मा विराट कोहली भाई ये हल्के पुल्के नाम थोड़ी हैं, ये बहुत मारते भाई, और भी खिलाड़ी हैं इनके पास, सूर्या पंत तुरंत और भी कौन कौन से, पांड्या कांड्या शिवम दुबे। अरे भाई ये लोग तगड़े खिलाड़ी हैं, ऐसे वैसे खिलाड़ी ना है, जब हमारे जैसी बड़ी टीम के गेंदबाजों का भूत बना देते हैं तो भाई ये हल्की पल्की टीमें क्या कर लेंगी कनाडा वनाडा। अरे भैया हम तो ये कहते बहुत तगड़ी टीम है इंडिया वालों की, बाकी इस बार वर्ल्ड कप हम ही जीतेंगे भैया, अंग्रेज और कोई जीत ही ना सकता भाई वर्ल्ड कप के मामले में, तो जलवा अपना यूं ही रहेगा। बाकी कोई टीम हमारी टक्कर लेगी तो वो ऑस्ट्रेलिया होगी, इंडिया वालों का तो हम ऐसे कर देंगे भाई काम, लोल तगड़ी टीम भले ही है लेकिन हमसे तगड़ी ना है। अबे सुन रहे हो कोहली भाई, अः भैया सुन लो इस बकचोद बटलर की बातें, अः नालायक हराम खोर ससुरी वाले, अः भैया तुझको पता ना है हम पजामा कैसा फाड़ते हैं, हम इंडिया वाले हैं, जहाँ भी जाते हैं हमेशा अपना झंडा गाड़ते हैं और तुम्हारे जैसे छपरियों का हमेशा पजामा फाड़ते हैं, चाहे तुम हो चाहे ऑस्ट्रेलिया वालों हो चाहे कहीं का भी टीम हो भाई, इस बार अपना जलवा भारी है और तुम लोगों की हारने की तैयारी है, इस बार ये वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हमारी है समझे, हवा सी निकल जाएगी तुम्हारी।